हमारा देखिए भटूला जो है अब बनना शुरू हो गया, छना रहा है कढ़ाई में। हमारा छोला बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कुकर में जो है, देखिए ऐसा कुछ छोला का जो लुक आया है, आप देख सकते हैं पूरा अभी बिल्कुल गर्म गर्म है ये। दोस्तों हम आ गए किचन में अभी, और आज जो है हमारे रात में के खाने में जो है छोला भटूला बनेगा। तो अभी कुकर पे देखिए जो है गैस पे जो है कुकर रखा गया है, इसमें जो है काबली चना जो है उबालने के लिए रखा हुआ है, और सारा सामान मैंने लग गया छोले भटूले का। तो आज रात में खाने में जो है आज बनेंगे छोले भटूले, तो वीडियो में बने रहिए आप। चना जो है उबल गया है कुकर में जो है, देखिए इस पे से उतार दिया गया है, और प्याज और लहसुन अभी इसको मिक्सर में जो है सब मिक्स करेंगे, इसको भी सबको जो एक मिला देंगे। और ये हमारा आ गया मिर्चा, इसका जो है बन जाएगा पेस्ट। इसमें देखिए नीचे जो है अदरक भी रखा हुआ है, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा है, प्याज है, ये सबको जो है मिक्सर में जो है पीसा जाएगा, अभी मसाला बनेगा। और ये आ गया गरम मसाला, इसको भी मिक्सर में जो है साथ में पीसा जाएगा। तो ये आ गई बड़ी इलायची, ये दोस्तों छोले की रेसिपी है सब, बड़ी इलायची और दालचीनी और काली मिर्च और जीरा है थोड़ा सा, और ये जायत्री है, देखिए ये बॉक्स में लेके आया था मार्केट से, 120 रुपये का मिला था। देखिए भटूले में डालने के लिए मैदे में एक जो है लेके आया नींबू, दुकानदार के पास से बस ये एक नींबू बचा था, भगवान की कृपा से नींबू मिल गया है। और ये नींबू दोस्तों 5 रुपये का एक मिला है। और देखिए ये मसाला है राजेश मीट मसाला, और हमारा देखिए कुकर जो है खुल गया है। अब मिक्की छोटू के लिए आलू भी इसमें जो है उबल के उबला हुआ है, क्योंकि वो भी खाएंगे, तो उन लोगों के लिए जो है आलू दिया गया खाने के लिए। तो अभी इसमें इस बर्तन में जो है सारा कुछ निकालेंगे। मिक्सर हमने निकाल लिया है, और इसमें जो है प्याज जो भी आपको दिखाया मसाला हम इसमें डाल लगे। अब इसमें जो है मिक्सर को ये सब ऊपर से हटा के इसको जो है मसाला में भी पीसेंगे छोले के लिए। देखिए हमारा मसाला पीस के रेडी हो चुका है। ये देखिए इधर ये बेकिंग सोडा है, इसे मिलाया जाएगा। अब देखिए इसमें जो है सूजी मिलाया जा रहा है, सूजी से जो भटूला हमारा जो है वो मतलब पचेगा नहीं, फूला रहेगा, इस वजह से जो है। अब देखिए इसमें नींबू पड़ रहा है,
एक दो चम्मच को गल रहा मैंगो तब क्या रहने दो उसको रखो उसको यार मम्मी मम्मी बंदर ना नीमक लगा चाहिए अब इसमें देखिए रिफाइन ऑयल मिलाया जा रहा है ये रिफाइन ऑयल से ही जो है सब मेस किया जाएगा दोस्तों हमारा देखिए मैदे वाला आटा जो है रेडी हो चुका है अब इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए ठीक चलो आलू छिलने के बाद बाहर बैठ चलो अब देखिए इधर गैस पे जो है दूसरी कढ़ाई चढ़ गई है अब ये जो आलू और जो चना है इसको अभी इसमें भूजा जाएगा और ये है हींग ज्यादा दिख रहा है मुझे अच्छे से देखिए गैस पे जो है दो दो चीज चढ़ा है इधर कढ़ाई में जो है चना भुजा जा रहा है काबली चना छोले वाला और इधर जो है गैस में मसाला भुजा जा रहा है Thank you.
देखिए हमारा चना जो है भून चुका है, जितना भूनना सब भून चुका है। देखिए हमारा जो है चना भून चुका है, जितना भून गया भून गया है। देखिए नीचे अब गैस बंद हो गया, देखिए गैस नहीं जल रहा है। इधर कुकर में जो है मसाला भुना जा रहा है छोले का। इधर देखिए अपना टिफिन में जो है चाय पत्ती पानी में उबलने के लिए रखा हुआ है। चाय पत्ती का पानी जो है छोले में पड़ेगा, उससे जो है टेस्ट उसका बढ़ेगा। देखिए अपना इधर भटोला बनने की जो है तैयारी हो रही है। भटोला जितना बड़ा बड़ा बनेगा उतना बड़ा बड़ा जो है लोहिया काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा मैदा जो है अच्छी तरह से फूल गया है और उसको जो है अभी भटोला जो है बेला जाएगा। और गैस पर देखिए कढ़ाई जो है चढ़ चुका है। आप देख सकते हैं हमारे कढ़ाई का जो है तेल पूरी तरह गर्म हो चुका है और भटूरा जो है छाना जा रहा है इसमें। और देखिए कितनी अच्छी तरह से भटूरा जो है हमारा इसमें फूल रहा है। और अगर मैदे को जो अगर सोडा वाटर में अगर मिक्स किया जाए साना जाए तो उससे और अच्छा तरह से जो है भटूरा फूलेगा। लेकिन हम जहाँ गए थे अभी लेने के लिए वहाँ पर मिला नहीं। और देखिए भटूरा को जो ऐसे कुछ बेलते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो आपको जो पूरी रो मिलती है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें कट उट लगता है, हल्का फुल्का कट लगता है, बाकी जो है कट लगता नहीं है। तो हमारे चैनल को जो है दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए अच्छी तरह से। अब इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब फैमिली को जो है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। हमारा पूरा भटूरा बन के रेडी हो चुका है। देखिए इधर भटूरा जो इतना हुआ है लास्ट इसमें पड़ा हुआ कढ़ाई में। Thank you.
दोस्तों हमारा छोला जो है अब छौंका जाएगा। देखिए मिर्चा है, हरा मिर्चा, और इधर देखिए अदरक जो है साफ़ हो रहा है, और देसी घी से जो है लगाएंगे छौंका। देखिए इधर फोल्डिंग डाइनिंग टेबल खोल लिया गया है, अब चेयर भी लग गया है, इसी पे जो है पापा को खाना खिलाया जाएगा। चलिए चलते हैं हम किचन में।